गलती तुम क्यों करोगी? गलती तो हमेशा मैं करता हूँ, है ना? और वैसे भी छोटी मालकिन क्यों आएगी नदी पे? गुसल खाना है उनके घर में, वो रॉय चौधरी हैं। मुझे वैसे ही, अरे बहू, जब भी संपूर्णा की आंखों में देखता हूँ एकदम सच्ची और मासूम लगती है। पर क्या उसे पैसे वाले ससुराल की उम्मीद थी? और अब कहीं नहीं जाओगी बांदिता तुम। राक्षस बाबू समझ नहीं आते, जा रही थी माँ के पास पर फिर रोक दिया। चल। अरे कहे का कुछ महत्व है कि नहीं? खुद बर्दाश्त कर पाओगे बांदिता की इस गंदी आदत को? उसकी ये गंदी आदत दूर हो जाए इसीलिए तो भेज रहा था ना उसे मायके। उसके माँ नहीं उसे सिखाएगी ये सब तो कौन सिखाएगा, मैं और तुम? हाँ, हम क्यों नहीं सिखा सकते बांदिता को काका? क्या बांदिता की जिम्मेदारी मैंने इसीलिए ली है कि वो एक गलती करे और मैं उसे मायके वापस भेज दूं? और मैं अगर ऐसा करता हूं तो हार किसकी होगी काका, मेरी या बांदिता की? अरे भूल क्यों जाते हो अनिरुद्ध? अरे इसी घर में देवी का मंदिर है, सब शुद्ध सात्विक रखने की परंपरा है। इस घर का कोना कोना गंगा जल से पवित्र करते हैं, पवित्र बहू को कैसे रख सकेंगे भला? काका, पवित्रता और अपवित्रता मैं नहीं समझ सकता। हाँ, मैं जरूर मानता हूं कि आपको पूजा पाठ में दोष पसंद नहीं, पर काका आप ही बताइए, अगर बांदिता की जगह बटुक होता तो क्या बटुक के साथ भी वही करते? छोड़ आते उसे कहीं बाहर, फिर कहते उसे जब सुधर जाओ तभी घर के अंदर आना। बैरिस्टर हो तुम अनिरुद्ध, तुमसे उम्मीद नहीं कर सकते ऐसी बेकार की बहस करोगे, कम से कम तर्क तो सही रखो। कोई सीमा है कि नहीं तुम्हारे पागलपन की अनिरुद्ध? अरे सिर की पगड़ी की पांव की जूती से कैसे तुलना कर सकते हो तुम? पांव की जूती नहीं, बांदिता इंसान है काका। उससे पूछना जरूरी नहीं, कोई मेरी क्यों नहीं सुन रहा? क्यों कहना है तुम्हें कुछ? क्योंकि जब मैं बिस्तर गीला करती हूँ तो बुरा किसे लगता है? मुझे ना शर्म किसे आती है? मुझे ना सबसे झूठ किसे बोलना पड़ता है? अपनी गलती किससे छुपानी पड़ती है? मुझे ना तो किससे जाना होगा अपनी माँ के पास? मुझे ही ना तो जाने दीजिए मुझे अपनी माँ के पास पति बाबू। बहुत अच्छी बात कही तुमने बांदिता,
चली जाओ अपनी माँ के पास, ताकि मैं अनिरुद्ध की जिंदगी में पूरी तरह से उसकी हो जाऊं। मेरे आम के बगानों का ख्याल रखेंगी आप? अभी तो जमाई बाबू के साथ चली जाओ, मैं आ जाऊंगी जब आम के बगीचे में ढेर सारे आम आ जाएंगे। कहीं नहीं जाओगी बंदिता तुम। मेरी माँ के पास नहीं जाने दिया मुझे, बिल्कुल अच्छे नहीं है राक्षस बाबू। बंदिता, बंदिता बुकशेल्फ के पीछे क्या कर रही हो? दिन भर यहीं रहना है क्या? बाहर आओ। बंदिता तुमने सुना, मैं तुम्हें बाहर बुला रहा हूँ ना। बंदिता बाहर आओ। आप जाइए, आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती मैं। बंदिता ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर मुझे तुम्हारी शक्ल दिखाई ही नहीं देगी। अब ठीक है? बाकी सब भी नहीं देखेंगे क्या? सबसे कैसे छुपाओ अपना मुंह? बताइए ना, अगर माँ के पास जाती तो इस शर्म से बच जाती ना, पर रोक लिया आपने। अब सब हंसेंगे नहीं मुझ पे, ताने नहीं मारेंगे मुझे, सबकी सुनने नहीं पड़ेगी मुझे, सब आपके कारण। अरे कोई नहीं हंसेगा बंदिता, कोई कुछ नहीं कहेगा बंदिता। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना, तो आओ बाहर। सुनाई दे रहा है बंदिता, बाहर आओ, हम आराम से बात करते हैं। नहीं, क्यों करूं मैं आपसे बात? आपको चिंता है क्या मेरी? गुस्सा नहीं करते मुझ पर, तो क्यों करूं मैं बात? बंदिता अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे? लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं वहां आऊंगा बंदिता। तुम चाहती हो मैं आऊं? ठीक है, बताओ मुझे क्यों दोष दे रही हो, बल्कि खुद को भी दोष क्यों दे रही हो तुम? बिस्तर गीला करना एक अच्छी आदत नहीं है और इस आदत को हमें बदलना है, बस। कोई मुश्किल है क्या इसमें? बहुत मुश्किल से संभाल के रखा है अपने आत्मसम्मान को, क्या वो भी छीन नहीं जाएगा मुझसे अगर मैं अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहने लगी तो? बंदिता बहाने ना बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये आदत माँ ने लगाई क्या तुम्हें? नहीं ना, तो माँ छुड़वाएंगी कैसे? बताओ तुम्हें भूख लगती है तो खाना तुम खाती हो या माँ को खिलाती हो? खुद खाती हो ना, ऐसे ही ये समस्या तुम्हारी है तो इसे ठीक कौन करेगा, माँ या तुम? तुम ठीक करोगी और फिर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ, हम मिलकर कोई उपाय खोज लेंगे। पर अगर तुम ही साथ नहीं दोगी तो कैसे आएगा बदलाव? बताओ आप, आएगा बदलाव? बदलाव चाहिए ना बंदिता, बताओ ना बंदिता, बदलनी है ना अपनी आदत? बंदिता प्यार की भाषा समझ नहीं आती, तुम चाहती हो हमेशा डांट डांट कर बात की जाए तो डांट डांट कर बात करता हूं। बताओ बिस्तर गीला करना बंद करना है या नहीं, बदलनी है या नहीं अपनी आदत? बंदिता मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अरे माँ दीजिए ना, मैं भर लाती हूँ पानी। हाँ नहीं नहीं नहीं, रहने दो, बाल गीले हैं ना तुम्हारे, ऐसे गीले बालों में बाहर जाओगी तो सर्दी लग जाएगी, पहले जाके बाल सुखा लो, जा जा। पर वो छोटी सासू माँ? बहू मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी, तुम जाओ। हे दुग्गा माँ। अरे क्या हुआ? बेटा कुछ नहीं हुआ है, बस पैर में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन